हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके लिए एक फिर से एक रिक्रिएशन वीडियो लेके आई हूँ। बट ये रिक्रिएशन अभी होने वाला है एक डिफरेंट पर्सन पे। अब आप पूछोगे कि कौन पर्सन है। अब ये है मेरे पापा। तो जिसकी मैं फ़ोटो रिक्रिएट करने वाली हूँ उनकी फ़ोटो भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लेना। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं एग्जैक्टली मम्मा के जो टाइम था उसमें मेरे पास वो साड़ी नहीं था, इसीलिए मैं क्रिएट नहीं कर पाई थी। मतलब वो साड़ी नहीं था, पर जो पापा का है ये टी शर्ट पुराना वाला है, तो लकीली ये मेरे पास था। तो मैं इसी को पहन के एकदम एग्जैक्ट लुक हो मैं वैसे ही ट्राई करूँगी। और जैसे कि पापा का मेकअप है तो पापा तो ऑब्वियसली मेकअप करते नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे मेरी स्किन पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े पिंपल्स के दाग हैं, बिकॉज मुझे एक्ने नहीं बट स्ट्रेस से ब्रेकआउट होते, तो इसीलिए मुझे इवन स्किन टोन करना होगा। एंड मुझे यहाँ पे मूछें भी करने होंगे, बालों को सेट करना होगा, बालों को बांधना होगा। बट तो हम कंप्लीट वो करेंगे और मैं आज आपको डिस्क्राइब करते करते दिखाऊंगी कि मैं मेकअप में सिंपली बेसिक मेकअप में क्या करती हूँ। फर्स्ट एक नॉर्मल स्किन केयर होगा। मैंने ऑलरेडी मुंह को धो लिया है, धोने के बाद मैंने ऑलरेडी अपनी टोनर भी यूज़ कर लिया है। एंड टोनर में मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ गुलाबरी का जो रोज़ मिस्ट है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड फॉर द प्राइमर, इन केस मैं यहाँ पर कोई हेवी प्राइमर बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, पतंजलि का जो हमारा जेल होता है उसी को एज अ प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते वीडियो को, इतना बकबक करके इंट्रो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वाला प्रोडक्ट मैं एज अ प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ वो है ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल जो केसर चंदन में है। नॉर्मल एलोवेरा जेल मेरे स्किन पर इतना सूट अच्छे से नहीं हुआ और रैदर मेरे पिंपल्स रिएक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, पिंपल्स निकल आए थे। तो मैं जब इसको स्टार्ट कर रही थी, इसको जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तब से आई गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट और ये स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। सो फॉर प्राइमर, सो मैं इसी को वन पिंच लूँगी एंड इसी को पूरे फेस में अप्लाई भी करूँगी। टी जोन एरिया पे भी आप कर सकते हो, अच्छे से इसको भी सारे के सारे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। मदर जो वीडियो था मैंने उस पर डिटेल्स में नहीं बोल पाई थी, मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके, आप वीडियो को देख भी सकते हो अगर नहीं देखा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके कर दिया था मैंने। तो उसमें सारे ज्वेलरीज पहने थे एंड सारे साड़ीज पहने थे, और साड़ी पहनना मुझे आता नहीं, मम्मी ने मुझे पहना दिया था। तो ये वाला जो वीडियो है मैं इस पर डिटेल्स में दे रही हूँ बिकॉज इसमें मेरी स्किन केयर भी है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इतना ज़्यादा स्किन केयर करती नहीं हूँ बिकॉज आई थिंक इट लिटिल बिट गुड। मुझे इतने सारे एक्ने पिंपल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फोर एड एरिया में थोड़े थोड़े आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं नहीं करती, मेरी मम्मी करती है, नीम के जो पत्ते हैं उनको उबाल के रात को दे देती है एंड उसी से ही मेरा थोड़ा कम हो जाता है। और इसको तो जैसे मैं रेगुलर इस क्रीम को एंड मेरा जो मॉइस्चराइज़र अब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, मैंने प्रीवियस वाले उस मेकअप वीडियो में भी शेयर किया था, और ये भी है सेम ब्रांड से पतंजलि का। ये है एक्वा एलोवेरा मॉइस्चराइज़र, शेयर बटर है, कोकोनट है, वीट जर्म्स एंड ऑलिव ऑयल है। ये बहुत अच्छा स्मेल करता है, ओह माय गॉड। ये इतना मैंने ऑलरेडी, इसके 2 पैकेज मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, बहुत अच्छा है ये, बहुत थिक है और आपके स्किन में, मेरे स्किन में बहुत अच्छे से जाता है। आई एम श्योर ये सबके स्किन टोन से अच्छे से स्किन में जाता होगा, स्किन टोन नहीं सॉरी। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे, ये मेकअप को भी बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करता है। प्रीवियस ईयर की राखी में, तब मैं यूट्यूब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो प्रीवियस ईयर की राखी में मैंने इसको यूज़ किया था एज अ मेकअप करने के लिए। तो ट्रस्ट मी गाइस, सारा दिन इसने मेरा मेकअप होल्ड किया था एंड आई वॉज जस्ट लविंग इट। और ये अच्छे से ना स्किन के अच्छे से सूट हो जाता है, तो मैंने ऑलरेडी स्किन में पुश कर दिया है। एंड नाउ हमें इसको थोड़ी देर के लिए लेफ्ट करना होगा, लाइक 1 to 2 मिनट्स। तब तक मैं आपसे बात कर लेती हूँ, वो ये है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ कि यस्टरडे आई रिसीव माई ट्राईपॉड। ये ट्राईपॉड है बोथ कैमरा एंड फ़ोन के लिए। कुछ ट्राईपॉड्स होते हैं ओनली फ़ोन, कुछ होता है ओनली फॉर आपका होता है कैमरा के लिए, बट मुझे चाहिए था बोथ। तो फ्यूचर में जब मैं कैमरा यूज़ करूँगी तब के लिए मैंने ये इसको भी परचेस किया है, और अभी के लिए मैं तो फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक। और अगर आपको चाहिए उसका वीडियो, मैं उसका वीडियो भी दे दूँगी।
डेफिनेटली, बट कोई और वीडियो में, इसमें नहीं, ये तो बहुत इंट्रो मतलब ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा. सो ट्राइपॉड मुझे आज रिसीव होने वाला था, आज है वेडनेसडे, बट मुझे ट्यूसडे में रिसीव हो गया था. सो प्रीवियस ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, बट मैंने आपको बोलना ही मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो तो ये भी हमारे स्किन टोन में भी जा चुका है, स्किन टोन में नहीं सॉरी स्किन में जा चुका है. सो अभी करते हैं बेस को. बेस के लिए मैं सेम फाउंडेशन के यूज़ करने वाली हूँ, फिट मी मेबेलिन फिट मी का ये ट्रैवल साइज है. एंड मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज, ये मैट प्लस पोरलेस फिनिश है. तो इसको मैं थोड़ा ही जेनरस अमाउंट लेने वाली हूँ, इतना सा अमाउंट. एंड उसी डैम्प ब्यूटी, हुडा ब्यूटी का ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इसी को मैं पहले डॉटेड मोशन में अपने स्किन टोन में ऐसे पुश करूँगी, डॉटेड मोशन में. एंड नेक पे भी यूज़ करने वाली हूँ. एंड देन हम इसको ब्लेंड करेंगे, बट मुझे इसको ब्लेंड करने के लिए ना एक मिरर की चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपने आई शेडो पैलेट का ही मिरर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज कैमरा में देखकर मैं फ़ोन पे देखकर नहीं कर पाऊँगी, दैट्स वाई. तो अब मैंने अच्छे से फाउंडेशन को बेस को कर लिया है, और मेरा जो ये सारे स्पॉट्स है आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक स्पॉट है, यहाँ पे ज़्यादा इस एरिया में है और इस साइड पे है, ठीक है. तो मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर. मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ओलिविया पेंस्टिक का 07, कैमरा उल्टा फोकस कर रहा होगा बट मेरे पास ये 07 विच इज़ लाइनिंग येल्लो. एंड मेरे पास है हाफ एंड हाफ का एच डी प्रो कंसीलर. सो आई थिंक मैं इसके लिए ओलिविया पेंस्टिक को ही चूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज ओलिविया पेंस्टिक थोड़ा अच्छे से स्टे करता है. तो मैं इसको बहुत ही जेनरस शॉर्ट अमाउंट में ही लेकर, अपने फिंगर से ही लेकर इसको अप्लाई करूँगी अंडरनीथ माई आईज, ताकि ज़्यादा ना हो जाए. एंड इस एरिया पे सेम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. इस साइड पे ज़्यादा नहीं है बट इस साइड पे है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से मतलब इसको लगाया इस साइड पे. तो हम इसको ब्लेंड करेंगे. एंड देखिए ब्लेंड हो भी गया है ये. देन इसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे का पर्ल ब्यूटी कॉम्पैक्ट पाउडर, बट इसके साथ जो ये स्पॉन्ज मिलता है मैं उससे सेट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी. मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उसी ब्यूटी ब्लेंड का जो है ब्यूटी ब्लेंडर मेरा, उसी को यूज़ करी, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर के स्टिप से बहुत अच्छा सा एक आई के इस एरिया में अच्छे से ब्लेंड होता है. सो ताकि आईज के पास जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वो क्रीजिंग ना करे.
है, तो ये हो गया बेस का, ठीक है। अब पापा का मेकअप है तो मेकअप तो पापा करते नहीं है, तो बेस इतना ही हमें करना है। अभी मुझे करना होगा जो मेन है, आप देख सकते हो आईब्रोज, मेरे आईब्रोज में भी अर्ज है, बट पापा का जो आईब्रोज पहले मेरा भी था, बट आफ्टर शेपिंग माय आईब्रोज तो मैंने कुछ ऐसा फ्लैटिंग कर दिया, थोड़ा सा अर्ज है मेरे आईब्रोज पे। बट पापा का जो है, आपने पिक्चर पहले ही देख लिया होगा कि उनका ना यहाँ से लेकर ऐसे होकर है, और उन्होंने जिस पोजिशन में उनका पिक है और जैसे वो ऐसे वो देख रहे हैं, तो इस यहाँ से लेकर ऐसा है। तो मेरे पास आईब्रो पेंसिल मेरी ऑलरेडी एकदम छोटी हो चुकी है, बट ये है हमारा डैजलर का आईब्रो पेंसिल। तो मैं क्या कर रही हूँ, कैमरा में देखकर फोकस करते करते नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो, बट स्टिल मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐसे उठाना होगा, ठीक है। तो मेरे आईब्रोज आप देख ही सकते हो, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे उठाना होगा एज द पिक्चर शोन। तो यहाँ करते हैं, मुझे वही वाला पिक्चर मिला बिकॉज ये टी शर्ट मेन मुझे चाहिए था कि हाँ इस टी शर्ट के साथ मैच कर जाए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, आप देखिए, अगर इस आई शेडो पैलेट की वजह से मेरा मुंह हाइड भी हो गया, देन सो सॉरी फॉर दैट। तो आप देखते रहिए मैं क्या कर रही हूँ, अगर कर पाती हूँ तो। अब ब्लश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आईब्रोज को करना है एंड बालों को बनाना है, एंड टी शर्ट पहन के आपके पास मैं रेडी आऊँगी। तो मैं आईब्रोज करने की कोशिश करती हूँ, लेट डू इट। ओह माय गॉड, देखिए मैंने यहाँ पर उठाया है। देख सकते हो अभी आईब्रोज को एकदम मैचिंग हो गया है आईब्रोज, देखो इस आईब्रोज और इस आईब्रोज, ये पूरा एकदम पिक के साथ मैचिंग है। तो मैं ये आईब्रोज करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने दोनों ही आईब्रोज कर लिया है, और आप जो यहाँ पर देख रहे हैं बैल के जैसे, माय गॉड, मुझे भी ऑकवर्ड बिल्कुल नहीं लग रहा बिकॉज मैं यहाँ पर रिक्रिएट कर रही हूँ, राइट। सो रिक्रिएशन में आपको वही करना पड़ता है जो आपको पिक में दिखा गया होगा। सो ये जो बैल की तरह आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअली मूछों की प्रिपरेशन है। तो मेरे पापा के जो मुख है, मतलब मूछे है, पिक में अपने स्टार्ट में देख लिया था, तो उनके ना यहाँ से स्टार्ट है। तो मैं फोटो को देख कर मैं फिर से रिक्रिएट कर रही हूँ, तो उनका जो मतलब मुझे फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बहुत बार छोटे जब मैं छोटी थी बहुत बार ट्राई करता, बट अभी बड़े होने की बात कर रही हूँ, तो उनका मूछा तो उनका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो मैं वही कर रही हूँ, करके आपसे मिलती हूँ फिर। ओके, तो आपको देख के, मुझे मेरी शक्ल को देख के आपको हंसी आ रही होगी, मुझे खुद भी हंसी आ रही है, बट एट लास्ट ना इसे मुझे काजल से करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैंने मुझे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, आपको पता चल गया होगा कि फिनिशिंग कैसे होने वाला है। तो गाइज, मुझे बालों को सेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज बालों को सेट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस करने होंगे बिकॉज पापा के छोटे हेयर हैं और मेरे सामने से बैंग्स हैं। तो मैं बालों को रेडी करके आपसे फिर मिलती हूँ, एंड टी शर्ट पहन के आपको पूरा रेडी होके मिलती हूँ। और कैसा लग रहा है फेस, सो आपसे पूरा रेडी होके फिर मिलती हूँ। तो ये है कंप्लीट लुक। आई नो कि मुझे एकदम फोटो के जैसे ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं शर्ट पहन चुकी हूँ, बट इसको ना मैंने स्लीव्स को लगाया नहीं है, तो मैं वही लगा रही हूँ, बॉटन सभी लगा रही हूँ। तो उनके जो हैं, फर्स्ट वाला बटन नहीं लगा हुआ, तो ऐसा है उनका टी शर्ट, सारे के बटन्स में लगा रही हूँ। हाथों का भी उनका फोल्ड है, उस तरफ मैं देख रही हूँ बिकॉज उसका रीज़न ये है। फोटो मैंने वहाँ पर रखी है, फोटो को देख के मैं कर रही हूँ। और पापा हमेशा ऐसे फोल्ड कर देते हैं टी शर्ट्स को, जो भी टी शर्ट हो तो ऐसे फोल्ड हो रहा है।
तो ये है कंप्लीट नहीं हूँ बट कंप्लीट फोटो आपको मैं दे रही हूँ। इस वीडियो के बाद मैं आपको फोटो इंसर्ट करूँगी कि कैसा लग रहा है। आई एम माई डुप्लीकेट ऑफ माई फादर और नॉट, सो कॉमेंट कीजिए डाउन बिलो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डेफिनेटली शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे एट होम, बी सेफ, लव यू ऑल ब्राइट फैम। देखो लग गया काजल, इसको मैंने काजल से किया है इस मूछ को। सो या इफ यू लाइक माई वीडियो देन डेफिनेटली जो मैंने बोला वो कीजिए। सो चलिए फाइनल फोटो देखने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।